सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हमने एक प्रोडक्ट लाया जो कि अपना है DJI का माइक 2, जो कि हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। और ये आप लोग बॉक्स देख सकते हो, और मैंने इसको यहां से बॉक्स से निकाल लिया, DJI के बॉक्स से। और ये मेरे को पड़ा है 32,990 रुपीज में, 33,000 रुपीज का ये मेरे को पड़ा है DJI का माइक 2, जो कि अभी ऑफर के दौरान चल रहा है, जिसमें मैंने EMI पे इसको परचेज किया है। मैं वो सारा डिटेल आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड में दिखा दूंगा, जो कि आप लोग देख लेना मैंने कैसे कैसे इसको ऑर्डर लगाकर ऑर्डर किया है, सारा कुछ कूपन लगाकर ऑर्डर किया है। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। इस वीडियो में मैंने अभी अनबॉक्सिंग इसकी नहीं की है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग को MRP इसका मिल जाता है 45,990 रुपीज, जो कि MRP है इसका। और यहाँ पर हम लोग को ये चाइना से मैन्युफैक्चरिंग मिलता है, प्रोडक्ट ओरिजिन, और ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसका जुलाई 2024। और ये ब्लैक कलर में है, और ये 250 ग्राम्स का है टोटल इसका वेट है जो माइक का। इसमें आप लोग को मिलेगा 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर, जो कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से होगा। तो आप लोग यहाँ देख भी सकते हो, ये मैन्युफैक्चरिंग ये चाइना का ओरिजिन है, तो यहाँ चाइनीज में लिखा हुआ भी है सारा कुछ। और इधर आप लोग को मिल जाएगा सारा कुछ, सीरियल नंबर वगैरह, और मेड फॉर आईफोन के लिए मेड है, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ लोगो। और अभी हम लोग इसको चलते हैं अनबॉक्स कर लेते हैं DJI माइक 2 को। तो बड़ी सावधानी के साथ इसको हम लोग आज अनबॉक्स करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, मैं यहाँ से ऐसे कट किया हूँ, और फिर मैं यहाँ से ऐसे कट करता हूँ, और भी मैं इसको यहाँ से एक ऐसे कट लगा लूँगा यहाँ पर। थोड़ा ये नाइफ शार्प नहीं है, इस कारण से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, पर चलो ये आराम से कट गया गाइस। और मैंने यही ओन कार्ड के क्रेडिट कार्ड से EMI पे मैंने इसको परचेस किया गाइस। और अभी मैं इसको आप लोग को बॉक्स को ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसमें हम लोग को एक प्यारा सा बैग मिल गया DJI का। मेरे को ये जब रिसीव हुआ तो मेरे को लगा था कितना छोटा सा रिसीव हुआ, पर सच में यार ये बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट है बैग। तो बॉक्स से भी इसमें और छोटा ही निकला साइज कंपेरेटिवली, देखो कितना, इतना तो स्पेस अभी बैग में इम्पटी ही था, इतना हम लोग को ऑलरेडी छोटा सा बैग में मिल जाता सारा कुछ पैक कर। तो इससे पहले हम लोग देख सकते हैं इसमें और कुछ है, एक सिलिका जेल मिल जाता है जिसको हटाते हैं, हम लोग साइड में रखते हैं। और यहाँ पर इसमें और क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक बुकलेट मिल जाता है जिसको हम लोग ऐसे करके ओपन करते हैं, और इसमें सारा अपना DJI का प्रोडक्ट के बारे में कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं गाइस, आप लोग यूज कर सकते हो DJI का। फिर यहाँ पर मैनुअल मिल जाता है, फिर जो भी एसेसरीज है वो DJI का उसका प्रमोशन का मिल जाता है। तो ये सब हम लोग अभी इस वीडियोस में, और इसको कैसे कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं, इसमें सारा गाइडेंस दिया हुआ है कि आपको कैसे चार्ज करना है, कैसे कॉलर पे माउंट करना है, आपको कैसे कैमरा में माउंट करना है, देखो फोन में कैसे माउंट करना है। मैं अभी इसको आपको दिखाता हूँ, एक मिनट मैं इसको दिखाता हूँ, पहले प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, सबको साइड में रखा जाए और इस प्रोडक्ट को ओपन किया जाए फिलहाल। तो चलो हम लोग अब प्रोडक्ट को ओपन करते हैं गाइस। आप लोग देख सकते हैं चैन सा स्मूथ सा, वाव क्या इसको बॉक्स को क्या पैक किया गया है गाइस, ऑसम गाइस। ये देखो, ये इतना छोटा सा है गाइस, कितना स्मॉल साइज है इसका गाइस। ये थोड़ा हीट गर्म भी है गाइस, थोड़ा सा वो वार्म है, और ये सच में मेटल बॉडी में मिला इसीलिए इसका वेट थोड़ा ज्यादा है, बाकी बॉक्स का कुछ वेट नहीं है इसमें। हम लोग और देख लेते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या एसेसरीज मिला। हम लोग को एक विंड मफ मिला, दो मिला है इसमें, लोग देख सकते हो यहाँ पर दो हम लोग को विंड मफ मिला है, ये देखो जो कि वो कनेक्ट कर वहां पर हो जाएगा। देखो विंड मफ दो मिला है हम लोग को, इसको अभी इसमें डाल देते हैं। और इसमें एक और सिलिका जेल है गाइस, फिर एक और इसी में सेम ऐसा ही विंड मफ है, और फिर एक केबल मिल गया हम लोग को TRS to TRS कैमरा को कनेक्ट करने के लिए गाइस। यहाँ से हम लोग इससे कैमरा को एक दूसरे को, कैमरा और माइक्रोफोन को एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे आपस में। काफी हैवी केबल दिया गया है गाइस, कुछ लूज केबल नहीं, केबल काफी हैवी दिया गया। और फिर हम लोग को एक और केबल मिल जाता है जो कि हम लोग का है A to C टाइप, जो कि चार्ज करने के काम में आएगा हम लोग को। इसको यहाँ से हम लोग चार्ज करेंगे, देखो गाइस यहाँ से हम लोग इसको पुट करके चार्ज कर लेंगे इसको ऐसे, बहुत इजी प्रोसेस है गाइस चार्ज करने का। अब इस केबल को भी हम लोग रखते हैं साइड में, और फिर हम लोग को इसमें मिल जाता है गाइस, यहाँ से अभी हम लोग को स्टिकर को अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ एक स्टिकर मिलता है गाइस,
तो मैं स्टिकर को हटा लेता हूँ। देखो स्टिकर हट गया, स्टिकर को मैं कहीं और चिपका देता हूँ, इसके ऊपर चिपका देता हूँ, कहीं भी इसके ऊपर चिपका देता हूँ। और फिर मैं इस बॉक्स को अब अनबॉक्स करता हूँ गाइस। देखो यहाँ पर एक पुश बटन मिला गाइस, जो कि काफी अच्छा मेरे को लग रहा है। और मैं इसको चार्जिंग करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, एक मिनट। और पहले मैं इसको बॉक्स को अनबॉक्स कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, मैं खुद देख के सरप्राइज हूँ गाइस, कितना स्मॉल स्मॉल इसमें सारा एसेसरीज है, काफी स्मॉल है DJI गाइस। मेरे को सच में अनएक्सपेक्टेड था कि इतना स्मॉल साइज होगा। और पूरा ग्लॉसी इसमें दिया गया है यार, शाइनी सा। और यहाँ पर ये देखो मैग्नेट भी दिया गया है, क्या प्यारा सा मैग्नेट दिया गया है गाइस यार। और हम लोग अब रिसीवर को निकालते हैं और रिसीवर को देखते हैं रिसीवर किस टाइप का है। यहाँ देख सकते रिसीवर कितना लाइट वेट है गाइस, पूरा इसमें तो कुछ वेट ही नहीं है एज कम्पेयर टू माइक। माइक में तो थोड़ा सा वेट है भी, पर रिसीवर में तो बिल्कुल भी वेट नहीं है इसके कंपेरिजन में। ये तो 25% इसका वेट है रिसीवर का, रिसीवर तो एकदम लाइट वेट है गाइस। इससे फोन में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इसमें हम लोग को ज्यादा इसमें नहीं लगेगा वेट। और रिसीवर का थोड़ा सा वेट है क्योंकि ये भी मैग्नेट भी है इसमें गाइस, तो मैग्नेट हटाने के बाद थोड़ा सा वेट कम रहा है। और यहाँ देखो ये ग्रीन लाइट ऑटोमेटिक सारा पेयर हो जाता है गाइस, यहाँ से निकालने के बाद देखो सारे एक दूसरे से ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाते हैं। और ये देखो यहाँ कुछ ऐसे DJI का माइक, यहाँ मैं ऐसे करके इसको लगा लूंगा, एक मिनट में लगा कर आप लोग को एक्सपीरियंस करके दिखाता हूँ इसको कैसे यूज करते हैं गाइस। तो यहाँ से हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ से हम लोग क्लिप भी कर सकते हैं गाइस, अगर यहाँ से ऐसे करना है तो यहाँ से ऐसे क्लिप कर लेंगे बस। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर लिया इसको। और मैग्नेट भी है, अगर मैग्नेट के थ्रू कनेक्ट करना है तो हम लोग को ऐसे मैग्नेट को पीछे में डालना होगा और फिर मैं यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर लूंगा, हो गया। कितना छोटा सा गाइस है, कितना छोटा और स्मॉल, एकदम स्टडी लग रहा है, काफी ब्यूटीफुल लग रहा है मेरे को तो ये माइक। और यहाँ पर हम लोग का सेटिंग है, तो यहाँ पर हम लोग डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आज डेट है 18 और 19, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज गाइस, मैं देख लेता हूँ। आज 18 है और यहाँ 8 है 24, तो यहाँ पर इसको डेट को 8 कर लिया जाए और यहाँ से हम लोग को ओके कर दिया जाए। और ये टाइमिंग यहाँ पर पूछ रहा है, तो टाइमिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी अभी टाइम हो रहा है 19:51, तो टाइमिंग हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। फिर हम लोग यहाँ से आगे, यहाँ बूट हो गया गाइस। अब देखो यहाँ से दोनों में अच्छे से साउंड आ रहा है गाइस, देखो मैं इसमें बोल रहा हूँ तो हेलो हेलो, और इसमें बोल रहा हूँ तो हेलो 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 हेलो। देखो इसमें दोनों एकदम ग्राफ मस्त, माइक वन माइक टू दोनों बहुत कनेक्ट हो गया गाइस। और यहाँ से आउटपुट भी आ रहा होगा, जो कि मैं कल के वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ, मैं अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ आउटपुट, वेट करो आप लोग। और फिर गाइस अगर आपको सी टाइप लगाना हो, यहाँ पर सी मिल जाता है, ए भी मिल जाता है, दोनों मिल जाता है गाइस, आपको जो यूज करना है आप वो यूज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें सी टाइप लगाना हो तो आपको यहाँ से इसको पुश करना है, ये निकल जाएगा। देखो गाइस इसमें क्लिक का साउंड भी आएगा आप लोग को, यहाँ से ये निकल जाएगा। और यहाँ से आपको इसको इसके अंदर डाल देना है सिंपल, यहाँ से इसको आप जब पुश करोगे गाइस, ये देखो थोड़ी सी टाइट होगी और अच्छे से लग जाएगी, एक कट से आवाज भी आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग इसको सी टाइप में कहीं भी लगाकर इसका ऑडियो चेक कर सकते हो गाइस। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सारा कुछ फंक्शन दिख रहा है, और यहाँ पर लॉक दिखा रहा है गाइस। और यहाँ पर लैंग्वेज मैंने चाइनीज शायद सेलेक्ट कर लिया गाइस, तो इसके लिए मेरे को मेनू बटन एक बार दबाना पड़ेगा। ये माइक ऑफ हो गया गाइस इस पावर बटन से, एक बार और क्लिक करते हैं, ऑन करते हैं इसको, ऑन हो गया। और अभी मैं इसको दिखाता हूँ अच्छे से यूज करके, तो ये इसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है गाइस, अभी थोड़ा लैंग्वेज का इसमें प्रॉब्लम हो गया है, अभी लैंग्वेज इसका थोड़ा सही करना पड़ेगा, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा इसका लैंग्वेज कैसे सही करना है, पर देखता हूँ मैं। बाकी इसमें इसमें बहुत सारा सेटिंग भी है गाइस, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, वेट करो आप लोग।
और यहाँ पर आप लोग को दोनों रिसीवर का आपको बैटरी भी शो होगा कि कितना परसेंट बैटरी रिसीवर में चार्ज है आपका ट्रांसमीटर का। फिर आपको रिसीवर का भी यहाँ पर बैटरी शो हो जाएगा गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ रिसीवर का, यहाँ ट्रांसमीटर का नंबर वन और नंबर टू दोनों का यहाँ पर बैटरी लेवल शो हो जाएगा। और इसमें कितना क्यूट सा इसको बनाया गया। और एक एक चीज और आप लोग देख लो गाइस, इसको आप लोग इसको सी टाइप केबल को आप लोग लगा कर भी इसमें रख सकते हो, देखो कितना इजी है। और यहाँ से डायरेक्टली चार्जिंग कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मेटल का दिया गया केस, हैवी सा केस दिया गया गाइस, ये मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा इतना मेटल का क्यों दिया गया इतना हैवी, पर इसमें बैटरी भी इस कारण से इसका वेट भी 250 ग्राम है के आसपास है। काफी सेक्सी सा इसको बनाया गया गाइस, मस्त सा बनाया गया। अच्छा सा रिसीवर इसमें दिया गया, इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी दिया गया है। यहाँ से अगर आपको नॉइस कैंसिलेशन ऑन करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो अगर आपको नॉइस कैंसिलेशन ऑन करना है तो यहाँ पर देखो प्रेस करो, अब ये नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पर एक में ऑन हो गया। यहाँ देखो आप लोग को ग्राफ भी येलो कलर का दिख जाएगा, देखो क्लिक करूंगा यहाँ से ग्रीन भी हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा येलोइस्ट ग्रीन हो जाएगा अगर जब आप लोग इसका ऑन करोगे नॉइस कैंसिलेशन तब। और इसमें आप लोग को इंटरनल रिकॉर्डिंग भी मिलता है गाइस, तो इंटरनल रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग यहाँ पर एक लेफ्ट राइट साइड में मिलेगा आप लोग को यहाँ पर एक बटन जिसको आप ऑन कीजिएगा। तो ये देखो अभी नहीं हुआ, हाँ ये देखो हो गया, इंटरनल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। रेड कलर का यहाँ पर आप लोग लाइट शो कर रहा होगा, तो यहाँ पर भी आप लोग देखो रेड कलर का स्क्वायर बन गया, इस कारण से आप लोग देख सकते हो कि इसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ से देखो मैंने प्रेस किया, ये रेड लाइट खत्म हो गया और ये वाइब्रेट भी करता है साथ में गाइस, इसमें वाइब्रेशन भी है जो कि आप लोग ऐसे फील कर सकते हो, देखो इसमें वाइब्रेशन भी है गाइस। तो ये एक और भी अच्छा चीज है कि इसमें वाइब्रेशन दिया गया। और इसमें हम लोग आप लोग को दिखाते हैं साउंड मॉफ यूज करके, अभी मैं ऑडियो क्वालिटी में आप लोग को दिखाऊंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा, पर मैं इसको कल रिकॉर्ड करूंगा, ऑडियो क्वालिटी चेक कल होगी, अभी तो नॉइस वाला एरिया में नहीं रहूंगा मैं। और ये आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से हम लोग का ये लग जाएगा साउंड, हम लोग का ये लग जाएगा मॉफ फिल्टर, ये देख सकते हो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा है गाइस, मस्त सा। और ये कुछ ऐसे अब लगेगा, ऐसे तो ऐसे दिखेगा, कुछ अच्छा दिखेगा। और एक चीज सबसे अच्छी बात है कि ये सारा कुछ एक ही बॉक्स में पैक हो जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। और यहाँ से आप लोग 3.5 mm का जैक लगाकर और एक एक्स्ट्रा लैपल माइक्रोफोन आप लोग यूज करते हो तो लैपल माइक्रोफोन भी इसमें लगा सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देखो सिक्योर करने का आप लोग को मिल जाएगा, नीचे से केबल को सिक्योर करना है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर एक आप लोग को छोटा सा मिल जाएगा आप लोग देखो, ये काफी अच्छी चीज दी गई है इसमें। और इसमें आप लोग का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आप लोग को 6.5 आवर का पर ट्रांसमीटर, और केस के साथ आप लोग को मिल जाएगा 18 आवर का, मतलब आप दो बार इसमें केस में चार्ज कर सकते हैं इसको। और इसमें आप लोगों को इंटरनल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा 8 GB का पर रिसीवर। और इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा, यहाँ से ब्लूटूथ पेयरिंग भी होती है गाइस, इसको क्लिक किए हुए रहोगे तो ये लाइट ब्लू हो जाएगा, अभी देखो अभी ग्रीन ब्लिंकिंग करने लगा, तो अभी हम लोग इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं वो भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने इस रिसीवर को इस लैपटॉप में डायरेक्ट सी टाइप से कनेक्टेड कर दिया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ग्राफ भी चेंज हो रहा है यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो अभी मैं इसका ऑडियो टेस्ट करके देखता हूँ कि इसमें ऑडियो कैसा रिकॉर्ड होता है आज। तो मैं एक रिसीवर को इसको बंद कर देता हूँ, एक रिसीवर को मैंने बंद कर दिया है गाइस, और मैं अभी एक ही रिसीवर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग बताइएगा कि इस रिसीवर से आप लोग किस तरह का ऑडियो क्वालिटी आप लोग को देखने को मिल रहा है इस माइक्रोफोन से। मैं अभी DJI का माइक्रोफोन से आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, और मैं अभी इसमें आप लोग कुछ करके और दिखाता हूँ, जैसे कि ये मैं बिना साउंड मॉफ का यूज करके आप लोग को दिखाता हूँ कि बिना साउंड मॉफ का एक किस तरह का ऑडियो रिकॉर्ड करता है। और ये मैं इंटरनल रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, ये बार बार ऑन क्लिक होकर हो जा रहा है, और अभी देखो अभी ये ऑन है था गाइस, तो मैं अभी नॉर्मल में रख देता हूँ क्योंकि वो ऑन हो गया था गलती से, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वो गलती से वो ऑन हो गया था नॉइस कैंसिलेशन, तो अभी देख लो सकते हो। तो गाइस वो ब्लूटूथ मोड इनेबल हो गया, तो अभी नॉइस कैंसिलेशन के लिए मेरे को थोड़ा सा
मेहनत करना पड़ रहा है मेरे को अभी। या इससे इससे तो इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑन हो रहा है गाइस, देखो आप लोग 32 बिट जो रिकॉर्डिंग इसमें दिया गया है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ देखो रेड लाइट ऑन, मतलब ये इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑन हो रहा है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो रेड कलर का इसमें फ्रेम बन चुका है रिसीवर में भी। और यहाँ से हम लोग इसको ऑफ करते हैं और यहाँ से हम लोग इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने का देखते हैं। हाँ देखो गाइस, यहाँ पर बस पावर बटन को आप लोग को एक बार क्लिक करना है और ये नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा। अभी बताना अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन में आप लोग किस तरह का ऑडियो इसमें आपको सुनाई दे रहा है। और यहाँ से मैं अभी नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ कर देता हूँ। देखो हर बार वाइब्रेशन का आप लोग को साउंड आएगा। और मैं यहाँ पर आप लोग क्लिप करके भी दिखा देता हूँ इस तरह का यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है गाइस। और यहाँ से आप लोग बताना किस तरह का ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं अभी बिना नॉइस कैंसिलेशन ऑन किए रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। एक बार नॉइस कैंसिलेशन फिर से ऑन कर देता हूँ। ये देखो मैंने ऑन कर दिया और ये देखो आप लोग ग्रे कलर का लाइट यहाँ पर जल रहा है। और अभी मैं नॉइस कैंसिलेशन फिर से ऑफ करता हूँ और मैं इसको सेट को और थोड़ा नीचे लेकर जाता हूँ इसमें माइक के मैग्नेट को यूज करते हुए। और ये देखो अभी नॉर्मल मोड में। और यहाँ देखो ये कितने अच्छे से फ्लिप कर गया गाइस। और आप लोग प्लीज बताना ऑडियो क्वालिटी इसमें कैसा आ रहा है। मैं अभी इसको भी ऑन कर लेता हूँ, दोनों को एक साथ यूज करके देखता हूँ। देखो ये भी ऑन हो चुका है गाइस, बस आपको 2 सेकंड के लिए दबाना है। और दोनों ऑडियो आप लोग यहाँ भी देख सकते हो दोनों इसमें ग्राफ शो हो रहा है। और यहाँ से मैंने दोनों माइक को ऑन कर लिया है और डुअल चैनल से स्टूडियो मोड नहीं, ये अभी मोनो मोड में रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि इसमें दोनों चैनल एक एक से ही काम कर रहा है। इसमें लेफ्ट राइट चैनल अभी मैंने यूज नहीं किया है। और इसमें आप लोग को 3.5 mm का जैक भी जो मिल जाता है इससे भी आप लोग कर सकते हो। अगर आपको कनेक्ट करना है लैपटॉप से तो उससे भी आप लोग इसका कनेक्शन कर सकते हो। और मैं अभी आप लोग को कुछ और भी करके दिखाता हूँ गाइस, आप लोग वेट करो बस। तो गाइस मैं अभी आप लोग को 3.5 mm के जैक के थ्रू आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 3.5 mm का जैक आउट भी है। यहाँ पर आप लोग हेडफोन लगा के इसका ऑडियो भी रिकॉर्ड करते समय आप लोग सुन भी सकते हो। तो मैं आप लोग को एक और चीज दिखा देता हूँ 3.5 mm से किस तरह का क्वालिटी आता है गाइस। तो मैं अभी इसको इसमें क्लिक कर दिया, यहाँ से देखो इन हो गया तो यहाँ पर एक इंडिकेशन भी आ जाता है। और फिर मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ क्योंकि लैपटॉप में ऑलरेडी 3.5 mm का भी जैक लगाने का स्पेस होती है इसको। चल यहाँ से मैंने इसको भी इन कर दिया और अभी मैं देखता हूँ कि इसमें ऑडियो इसमें इन करके देखता हूँ कैसे ऑडियो इसको इन किया जाए। तो आई थिंक सो ये वाला ऑडियो अभी इसी से रिकॉर्ड हो रहा है गाइस, यही दोनों से हेलो 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 गाइस। और मैं अभी देखता हूँ इसी से, हाँ तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से क्योंकि उसके लिए मेरे को इसको पावर ऑफ करना पड़ेगा। इसको मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। मैंने ऑडियो यहाँ से ऑन कर दिया है और मैं देखता हूँ कितना दूर तक ये माइक टेस्ट कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं अभी बहुत दूर जा रहा हूँ फ्रेम से, तो मैं अभी करीब आ गया हूँ 10 to 15 meters आ गया हूँ दूर। 15 meters दूर से भी आवाज़ आ रही होगी, ये काफ़ी दूर तक वर्क करता है गाइस। ये तो इसका रेंज 200 meters तक का है, बहुत ज़्यादा इसका रेंज है। पर मैं अभी तो बहुत शॉर्ट लेंस में इसको चेक कर रहा हूँ, पर इसका लेंथ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी दूर तक आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे मतलब आप कहीं भी आप कोई भी लोकेशन पे हैं, सीनरी दिखाना चाहते हैं तो ऐसे आप वॉक करते हुए शॉट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, कैमरा की तरफ देख सकते हो। और ये आप लोगों को एकदम फ्री टू हैंड मूवमेंट आपको करने का परमिशन देगा बिल्कुल। यहाँ पर ऐसे करके बिल्कुल ही बातें कर सकते हो, कोई भी फ्रेम में कहीं भी चल सकते हो। ये माइक का आपको ये फ़ायदा मिलेगा गाइस। तो चलिए बस। और इसमें गाइज आप लोग को एक और चीज़ मिलेगा जो कि आप इस बटन को प्रेस करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, जो कि ये बहुत ही अच्छा चीज़ मिला है कि आपको मतलब बार बार कैमरा में आपको बटन ढूंढ कर प्रेस नहीं करना है। बस आपको उसी टाइप से आपको कनेक्ट कर देना है, ऑक से करोगे तो नहीं होगा। आपको उसमें जो इनबिल्ड जो सी टाइप मिला उससे आप कनेक्ट करोगे तब आप इस बटन का यूज़ कर सकते हो अपना रिकॉर्डिंग को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा फंक्शन मेरे को लगा क्योंकि आपको बार बार वो बटन ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप ट्राइपॉड पे लगाए हो तो बार बार आपको फ़ोन को टर्न नहीं करना पड़ेगा, अब बस सिंपल इसको प्रेस करो और रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलो अब इसको स्टॉप करते हैं। आईफोन में भी एक्शन बटन आ रहा है, एक्शन बटन का ज़रूरत ही नहीं अगर ये आप यूज़ करो, उससे ज़्यादा ये हैंडी है।